अब 29 जनवरी को होगी अयोध्या मामले की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट की नई पीठ करेगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन की आपत्ति के बाद संवैधानिक बेंच से हटे जस्टिस यूयू ललित। यूयू ललित के बेंच से हटने को लेकर न्यास बोर्ड के अध्यक्ष रामविलास वेदांती का बयान, कहा यूयू ललित की तरह सीजेआई को भी अपना नाम वापस लेना चाहिए। आलोक वर्मा के पद पर बने रहने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का पीएम मोदी पर वार, ट्वीट कर लिखा, आखिर पीएम सीबीआई चीफ को बर्खास्त करने की जल्दबाजी में क्यों है। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर बयान देकर फंसे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, महिला आयोग ने भेजा नोटिस। राहुल ने कहा था एक महिला के पीछे छिप रहे हैं पीएम मोदी। नमो ऐप के जरिए पीएम मोदी ने तमिलनाडु के बीजेपी के कार्यकर्ताओं से की मुलाकात, कहा तमिलनाडु के लिए जितना हमारी सरकार ने किया है उतना अभी तक किसी सरकार ने नहीं किया। आज होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, कई अहम मसलों पर होगी चर्चा। पिछली बैठक में गगनयान को दिखाई गई थी हरी झंडी। जींद विधानसभा उपचुनाव में रणदीप सिंह सुरजेवाला होंगे कांग्रेस उम्मीदवार। चुनाव में साख पर लगी है बीजेपी की किस्मत। 28 जनवरी को होगा चुनाव। शिवसेना ने सवर्णों के आरक्षण को बताया मोदी सरकार की चाल, कहा आरक्षण तो दे दिया मगर अब नौकरियां कहां से लाओगे। बुलंदशहर घटना में पुलिस को एक और कामयाबी। पुलिस ने मामले में आरोपी भाजयुमो नगर अध्यक्ष शिखर अग्रवाल को किया गिरफ्तार। आज कोर्ट में पेशी करेगी पुलिस। आर्मी चीफ बिपिन रावत ने फिर दिखाई पाकिस्तान को आंख, बोले आतंक और वार्ता एक साथ संभव नहीं, इसलिए बंदूक छोड़ो और हिंसा बंद करो। जम्मू कश्मीर में भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 4.6 मापी गई भूकंप की तीव्रता, जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन, पुंछ सेक्टर में दागे गोले, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। जल्द बढ़ सकती है कन्हैया कुमार और उमर खालिद की परेशानी, दिल्ली पुलिस दोनों के खिलाफ जल्द दाखिल करेगी आरोप पत्र। दिल्ली में बढ़ रहा नशीले पदार्थों का कारोबार, पिछले साल की तुलना में 281% की हुई बढ़त, दिल्ली पुलिस ने दी जानकारी। पंजाब सरकार ने बढ़ाई कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की सुरक्षा, कट्टरपंथी संगठनों से मिल रही धमकियों के बाद लिया फैसला, सुरक्षा अपग्रेड करके जेड प्लस की गई। पाकिस्तान में भारतीय टीवी कार्यक्रमों पर लगी रोक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पाक की सर्वोच्च अदालत ने कहा भारतीय कार्यक्रमों से हमारी संस्कृति को नुकसान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले वनडे मैच की मेजबानी करेगा दिल्ली, फरवरी और मार्च में होगा T20 और पांचवा वनडे मैच, BCCI ने की घोषणा। AFC एशियन कप में उज्बेकिस्तान ने ओमान को दी मात, शारजाह स्टेडियम में खेले गए मैच में उज्बेकिस्तान ने ओमान को 2-1 से हराया। ऋतिक रोशन का 45वां जन्मदिन आज, एक्स वाइफ सुजैन खान ने लिखा, दुनिया में मेरे सबसे अच्छे दोस्त को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। और इमरान हाशमी की फिल्म चीट इंडिया के स्टाइल से CBFC नाराज, बोर्ड ने वाई चीट इंडिया दिया फिल्म का नाम, 18 जनवरी को रिलीज होगी फिल्म। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।